गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू EVS क्लास. दिस इज द क्लास ऑफ क्लास थर्ड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आने को कहते हैं ट्रांसपोर्ट. ठीक है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. ठीक, तो जिससे हम लोग देखिए कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं. देखिए पिक्चर में देखिए, साइकिल है, रिक्शा, टांगा, स्कूटर, बुलक्स, बस, ट्रक, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, बोट, शिप. ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिससे हम लोग, जिस साधन से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं. ठीक है, तो अब हम जानेंगे इनको किस किस कैटेगरी में रखा गया है. तो तीन तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक लैंड, एक एयर, एक वाटर. लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जो व्हीकल्स लैंड पे चलते हैं, जैसे वी वॉक टू प्लेस देयर दैट आर नियर बाई, बट सम प्लेसेस आर फार अवे. वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गोइंग देम एंड कैरिंग गुड्स. कुछ कुछ जैसे हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो पहले हम लोग पैदल चलते थे, धीरे धीरे व्हील्स का आविष्कार हुआ, व्हील्स के बाद व्हील्स पे से बुलक कार्ट्स और कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट, इस पे चलने लगे. अब धीरे धीरे फिर क्या हुआ, व्हीकल्स का निर्माण हो गया. तो व्हीकल्स के निर्माण होने के बाद कार, बस, स्कूटर, ट्रेन, इनका निर्माण हुआ. कार, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा आर यूज्ड ऑन लैंड्स. जिस जो लैंड पे यूज़ होने लगे उसको लैंड ट्रांसपोर्ट कहने लगे. और वाटर पे चलने वाली, जैसे नाव है, शिप है, छोटी स्टीमर है, सबमरीन है, ये सब क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो पानी में चलती हैं. ठीक है, और ऐसे ही एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन, ये क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट. तो द ट्रेन्स रन्स ऑन रेलवे ट्रैक, ट्रेन्स मूव्स ऑन ट्रैक. शताब्दी इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया. जो शताब्दी ट्रेन है वो फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया में. हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, दे फ्लाई इन द स्काई. और जो एयर में फ्लाई करते हैं उनको एयर ट्रांसपोर्ट कहने लगे. एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें से एरोप्लेन जो है सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. बोट, ए बोट और अ शिप मूव्स ऑन वाटर, दे आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. बोट है, शिप है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है. तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हैं ट्रांसपोर्ट के. ठीक है, जो लैंड पर लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज भी जो हैं वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट में भी आते हैं. ये देखिए ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं, ये सारी ट्रेन्स भी लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आएंगी. ठीक है, अब ये देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ट्रक है, स्कूटर है, साइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन एंड कार, ये किस किस कैटेगरी में आती है. तो जो ट्रक है, ट्रक जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट में आएंगी, तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट में. लैंड ट्रांसपोर्ट. स्कूटर भी जो है वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट ही है. साइकिल भी लैंड ट्रांसपोर्ट. कार भी लैंड. एरोप्लेन जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट. और ये लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, अब हॉस्पिटल जाना है तो हम लोग क्या, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे ना. रेलवे जाना है तो भी लैंड ट्रांसपोर्ट. नियर बाय मार्केट जाना है तो भी लैंड ट्रांसपोर्ट. चंडीगढ़ जाना है तो भी लैंड ट्रांसपोर्ट.
पेरिस जाना है तो हम लोग कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे? एयर ट्रांसपोर्ट. अब ये देखिए, फिल द मिसिंग वर्ड्स. एस एच आई पी शिप, टी आर ए आई एन ट्रेन, टी आर यू सी के ट्रक, बी ओ ए टी बोट, सी ए आर कार, एरोप्लेन, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई एरोप्लेन. इस तरह से ये देखिए, फिल द मिसिंग लेटर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट. यू हैव टू राइट लाइक दिस. ये आपको कॉपी में नहीं लिखना बेटा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि आपको ट्रेन तीन तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट. ये इसके बारे में मैंने आज आपको बताया और आपको इसको सिर्फ वीडियो को देखना है और देख कर समझना है और आपको कहीं कुछ नोट डाउन नहीं करना है. ओके.